प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में 100 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है दोस्तों, तो हम इस वीडियो में इसी की बात करेंगे। देखिए 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले 2 महीनों में 100.40 करोड़ रुपए तक की बिक्री हासिल की। यह बिक्री वर्ष 2019-20 में इन 2 महीनों की बिक्री की तुलना में अधिक है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के 2 महीनों में दवाओं की बिक्री के माध्यम से 800 करोड़ रुपए की बचत की है। ब्यूरो ऑफ फार्मा पीएसयू ऑफ इंडिया बीपीपीआई की सफलता के लिए ज़िम्मेदार है। यह बीपीपीआई है जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के नेटवर्क के माध्यम से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को लागू करता है। वर्तमान में बीपीपीआई कोविड-19 के खिलाफ़ लड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। यह उन दवाओं का पर्याप्त भंडार बनाए हुए है जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वाइन, एजिथ्रोमाइसिन और पेरासीटामोल जैसी बड़ी मांग के अधीन हैं। इसमें हैंड सैनिटाइज़र और फेस मास्क के पर्याप्त स्टॉक हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।